सर्दी खांसी जुकाम ये तीनों एक ही फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगभग एक ही है। क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में? सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है। तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की चूना है। चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की किशमिश है। पांचवी मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की दालचीनी है। मुनक्का अलग है, किशमिश अलग। फिर से बता देता हूँ, सबसे अच्छी दवा है अदरक है, दूसरी हल्दी है, तीसरा चूना है, चौथी दालचीनी है, फिर किशमिश है, और इसमें आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इतनी दवाएं हमारे रसोई में है सर्दी खांसी जुकाम के लिए। और इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो मेन मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन मेडिसिन है अदरक, मेन मेडिसिन है दालचीनी, मेन मेडिसिन है मेथी दाना, मेन मेडिसिन है चूना, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से एक है तुलसी, उसमें से एक है काली मिर्ची। अब इनको यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका, अदरक है उसका रस निकाल लीजिए, अदरक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिला के हल्का गर्म करके पी लीजिए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है अदरक का रस निकाल लीजिए, उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद मिला के ले लीजिए, वो दूसरा तरीका। गर्म करने के बाद ही शहद मिलता है, शहद मिला के कोई चीज गर्म नहीं कर सकते। अगर शहद नहीं है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी चलेगा। अब डोज कितना लेना है? एक बार में एक चम्मच से ज्यादा नहीं, सब मिलाकर एक चम्मच। अब आप खुद डिसाइड कर लेना, सब मिला के एक चम्मच, अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद, तीनों मिला के एक चम्मच। सुबह सुबह ले लीजिए खाली पेट, बहुत अच्छा है। एक बार दोपहर को भी ले सकते हैं, एक बार शाम को, ये तीन बार ली जा सकती है दिन में सर्दी खांसी जुकाम के लिए। झुंझलाहट रही होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा, बीपी नहीं बढ़ाता ये, झुंझलाहट का दूसरा कोई कारण हो सकता। इसी तरह से सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूध में मिला के, जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल हो रहा है, दूध में मिला के, और मिला के इसको बॉईल करना पड़ता है दूध को, फिर उसका असर आता है। दूसरा तरीका है कि अगर दूध उपलब्ध नहीं, मत डालिए, बिना गुड़ के खाने की कोशिश करिए, हो जाए तो अच्छा, बिल्कुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर किसी कारण से दूध नहीं ले सकते या दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी में भी बॉईल किया जा सकता है हल्दी को और लिया जा सकता है। उसी समय लेना अच्छा। तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है, पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, और है जी मात्रा हमेशा चौथाई चम्मच सर्दी खांसी जुकाम को, इससे ज्यादा नहीं। कच्ची हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है, छोटे टुकड़े करके दूध में बॉईल कर लीजिए उसे।